बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डोरी पाइपिंग वाला गला। तो डोरी पाइपिंग वाला गला कैसा होगा जब वीडियो बनेगी तब आप मुकम्मल जान लेंगे। और कुछ मैं आपको बता दूं कि देखें, जिस तरह ये डोरी पाइपिंग मेरी स्लीव्स पे हुई हुई है, इसी तरह डोरी पाइपिंग हम चॉक्स पर भी करते हैं, मगर आज जो हम गला बनाएंगे उसमें डोरी पाइपिंग हमारी गले पर यूज़ होगी। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? हमें चाहिए एक पट्टी जो कॉटन पट्टी है, आप चाहें तो अपने ड्रेस के मुताबिक या कोई भी कलर की ले सकते। तो ये हमारी पट्टी है, पट्टी का साइज़ हमारा 1 से 1.25 इंच है, आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ 1.25 इंच की ली है पट्टी। और ये है डोरी, शमा डोरी, हम ये डोरी यूज़ करेंगे। और ये है बटन, जो डायमंड वाले बटन हैं, लास्ट में ये भी गले की खूबसूरती के लिए यूज़ होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है ये फ्यूजिंग बुकरम, जो कि मुझे इस तरह सीधा बुकरम चाहिए, इस तरह आड़ा बुकरम हम नहीं लेंगे। आड़ा बुकरम से हमारे गले की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाती है, तो हम इसको इस तरह सीधा बुकरम लेंगे। और मैं ये एक स्क्वायर पीस निकाल रही हूँ, आप चाहें तो बुकरम ज़्यादा में भी ये गला बना सकते हैं, मगर मैं ये गला बनाऊँगी ताकि हमारा बुकरम कम से कम यूज़ हो। ये मेरे पास एक पट्टी है बुकरम की, जो मैंने बुकरम के साइड से उतारी है, इसे हम बीच में सेंटर बनाएंगे। हम लोग इसका सेंटर बनाने के लिए चौक भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वाज़े रहे। ये देखें, आप चाहें तो इस तरह भी सेंटर बना सकते हैं। और ये हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। ये टेक्निक मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपका बुकरम कम से कम यूज हो। गले की जो चौड़ाई होगी वो होगी 7 इंच, तो हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और गले की जो लंबाई होगी या गहराई होगी वो होगी 7.5। तैयार गला हमारा 7 पर आएगा, 1/2 इंच हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा दबाव में जाएगा। और गले की लंबाई हम रखेंगे 18 इंच, 1/2 इंच हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये हम कट कर देंगे। हमें गला बनाना है 5 शेप में। हमारा गला कट हो गया है। जो इसका एक्स्ट्रा बुकरम था उसे हमने निकाल दिया है और ये बिल्कुल नीट हो गया है। अब हम इसे प्रेस करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि जो बुकरम के बीच में से एक्स्ट्रा बुकरम निकला था उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसे हम इस तरह बीच सेंटर में दोबारा लगाएंगे ताकि हमारा गला बड़ा या छोटा नहीं हो। इसे सेंटर में रखने से हमारा जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। इसका सेंटर बनाएंगे हम। आप चाहें तो चौक की मदद से भी सेंटर बना सकते हैं। इसे हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के हमने गले को कर लिया है रेडी। अब गला करेंगे हम थोड़ी देर के लिए साइड पर,
और जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम डोरी पाइपिंग गले पे यूज़ करेंगे, तो वही डोरी पाइपिंग हम तैयार कर लेते हैं। डोरी पाइपिंग तैयार करने के लिए हमें ये फुल बूट चेंज करना होगा और ये हाफ़ बूट लगाना होगा। ये हाफ़ बूट आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा, आई थिंक 30 या 40 रुपये में, और डोरी पाइपिंग हमारी इसी से तैयार होगी। डोरी पाइपिंग लगाने से पहले हम इस डोरी में एक गिठान लगाएंगे, इससे हमारी जो डोरी है ये खींचेगी नहीं, वरना हम अगर इसमें गिठान नहीं लगाते तो हमारी डोरी इस तरह निकल जाती। देखिए गिठान लगाने से हमारी डोरी यहाँ से खींच नहीं रही है। अब हम इसकी एक तीर दोबारा मोड़ेंगे, इसके ये जो धागों वाली साइड है इसे हम इस तरह छुपा देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमारी रेडीमेड डोरी तैयार हो रही है। हमारी डोरी हो गई है रेडी, और देखें कितनी खूबसूरत और सफाई के साथ हमारी डोरी बनी है। अब हम डोरी को कर देंगे साइड और एक बार फिर अपने गले को उठा लेंगे कमीज़ के साथ अटैच करने के लिए। और ये मैंने हाफ बूट हटा दिया है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और फुल बूट हम दोबारा अटैच कर देंगे। गला हम अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे, बीच में एक सिलाई लगाएंगे हम। गला हम कट करके इतना इतना आधा आधा इंच छोड़ देंगे। इनमें इस तरह हम कट के निशान लगा देंगे ताकि हमारा गला खूबसूरती के साथ बैठ जाए। कट लगाने से हमारे गले में झोल नहीं आता, कोई भी राउंड चीज़ हो उसमें आप कट लगाएंगे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बैठेगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये सिलाइयाँ तकरीबन बहुत ही फासले पे लगाई हैं, इसलिए लगाई हैं क्योंकि इसके बीच में हमारी डोरी भरी जाएगी, हमारी जो डोरी लगेगी इसलिए मैंने ये गैप पे सिलाइयाँ लगाई हैं। गला प्रेस हो चुका है, अब इसको करेंगे तुरपाई। तुरपाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी हमारा गला हो गया है तुरपाई, और आप इसकी खूबसूरती और सफाई देख लें, माशाल्लाह कितना सफाई के साथ ये तैयार हुआ है। अब जो हमारी डोरी पाइपिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डोरी पाइपिंग को हम प्रेस की मदद से सीधा कर लेंगे, यानी कि जो भी इसके बीच में झोल वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा। वैसे तो इसमें इतना झोल आता नहीं है, मगर फिर भी नीटनेस के लिए हम इसे प्रेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, हमारी डोरी पाइपिंग का जो सिरा है इसे हम प्रेस की मदद से राउंड शेप देंगे। इस तरह कि देखिए किस तरह राउंड में बैठ गई है। इस साइड को भी इसी तरह हम राउंड शेप देंगे। जो हमारे गले का डिज़ाइन है
जो कटिंग है उसी स्टाइल में हम इसको प्रेस की मदद से बिठाते जाएंगे। और ये वैसे ही बैठ जाएगी। तो चलिए अब गले पे डोरी पाइपिंग स्टार्ट करते हैं लगाना। प्रेस की मदद से इसको हम नीट कर लेंगे। इसकी बैक साइड पे भी प्रेस कर देंगे। अब हम इसकी बटन टैग बना लेंगे, यानी कि बटन टैग पट्टी, जिससे ये बीच से ज्वाइंट होगी। और एक निशान हम इसके गले का लगा लेंगे कि हमें गला इसका कितना बंद करना है। इसका गला हमें 7.5 पे बंद करना है, तो हम इस पर इस तरह निशान लगा लेंगे। इसकी जो बटन टैग पट्टी है 1 इंच चौड़ी होगी और इसकी जो लंबाई है वो हम 13 इंच रखेंगे। अब इसे हम कट कर देंगे। अब हम इस साइड से प्रेस कर देंगे। इस साइड से हम इसे प्रेस कर लेंगे और फिर एक और तह लगाकर इसे प्रेस करेंगे। और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे। और फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था इसे भी प्रेस की मदद से इस तरह बिठा देंगे। और ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा था इस तरह अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बटन टैग पट्टी हमारी रेडी हो गई है। बटन टैग पट्टी हमारी सिंपल कपड़े पर भी बनती है, मगर हमने बुकरम पे इसलिए बनाई है ताकि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आए। तो जब भी आप बनाइएगा, आप कपड़े पे नहीं बुकरम पे बटन टैग पट्टी बनाएंगे। बुकरम पे बटन टैग पट्टी बनाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम बीच में बटन लगाते हैं तो वो बटन हमारे झोल नहीं खाते, हमारे बटन बहुत ही खूबसूरती के साथ लगते हैं इस बुकरम वाली बटन टैग पट्टी पर।
तो भाई माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा डोरी पाइपिंग वाला गला हो गया रेडी। अब इसकी फाइनल खूबसूरती टच के लिए हम लगाएंगे डायमंड वाले बटन। आप चाहें तो टसल्स भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप लगाएंगे, मगर मैं इसके बीच में ये डायमंड वाले बटन लगाऊंगी। तो जी मेरा डोरी पाइपिंग वाला गला हो गया है रेडी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिस तरह आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया है और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, इसी तरह आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। अभी तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।